we start? हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम बना रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक हमारा ज़्यादा फूलता नहीं है। से सिंपल पानी का स्प्रे। ठीक है, ये हमारी सिंगल कोट फिनिशिंग हुई है। ठीक है, अब हमारी क्रीम खत्म हो गई है, तो मैं क्रीम भी बनाना बता देती हूँ आप लोगों को एक बार और। ये हमारी रिच की क्रीम है, अलग अलग कंपनियों की मिलती है। गर्मियों में देखा जाए तो रिच की क्रीम सबसे अच्छी होती है, तो कोशिश ये करिएगा कि ये क्रीम आपको मिल जाए। तो एक केक के लिए हमारी वही 200 ग्राम क्रीम लगती है। देखिए, जैसे अब इसमें बर्फ़ है, हमारी क्रीम में बर्फ़ नहीं होना चाहिए। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और बर्फ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है।
ये देखिए ये भी बर्फ है, वापस से इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, एक बार इसको आप मिक्स कर लीजिएगा कि कहीं भी बर्फ का टुकड़ा तो नहीं है, बर्फ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारी क्रीम में। क्रीम हमारी बिल्कुल ठंडी है। ठीक है, ये सनविप की रिच की क्रीम है, रिच कंपनी की सनविप क्रीम। ठीक है, अब हम इसको वीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी हीटर मशीन, ये हमने ऑन किया, हाई पे किया और बस कंटिन्यू चलाते जाना है। डबल कोट फिनिशिंग करेंगे, कलर से करनी है। ये हमारा चॉकलेट ब्राउन फूड कलर है,
अगर आप चाहें तो इसमें इस कलर से भी कर सकते हैं, या तो फिर चॉकलेट मेल्ट करके आप इसमें मिला सकते हैं, तो हमारी क्रीम में क्या है चॉकलेटी टेस्ट भी आएगा। और अगर ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए है तो आप इससे कलर कर लीजिए। ठीक है, ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। ये हमारी केक की फिनिशिंग हो गई है, अब हम इसको जाने देंगे फ्रिज में जब तक हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। ठीक है, एक ऐसा बाउल लेना है, इसमें हमारी ये
डार्क कंपाउंड चॉकलेट को डालेंगे। नाइफ, आदि तुम नाइफ रखे थे ना, नाइफ दो उठा के। ठीक है, इसके ऐसे पीसेस कर लेना है। एक बर्तन में नीचे हमें गर्म पानी रखना है, उसके ऊपर हम ये वाला बॉल रखेंगे चॉकलेट वाला। वो पानी की भाप से इस चॉकलेट को हमें मेल्ट करना है। ठीक है, जैसे इसके नीचे एक बर्तन जाएगा, जैसे इसमें हमने गर्म पानी रखा और इसको हमें रखना है, इसकी भाप से हमें इसको मेल्ट करना है। ठीक है, और इसमें ना दूध मिलाना है हमें, ना क्रीम मिलाना है, ये सिर्फ चॉकलेट को ही मेल्ट करना है। दो महीने वाला बंद कौन का, बंद कौन का पूरा दो, बटर पेपर और टिन। ठीक है, ऐसे हमें बटर पेपर की कटिंग करनी है। बटर पेपर लेना है इस बन पॉन्ड के साइज का, जितना भी हमें केक बनाना है, यहाँ 2 पॉन्ड का बनाए, 1 पॉन्ड का बनाए, 1/2 का बनाए, 3 का बनाए, इसके साइज की पहले हमें ये लंबाई लेना है, इससे थोड़ा ऊंचा रहेगा। ठीक है, और ये इसका राउंड लेना है, ऐसा पेपर हमें रेडी करके रखना है। ठीक है, एक पाइपिंग बैग लेंगे जिसमें छोटा सा होल होगा, बस बंद करो, पेन इधर रखूँगा, गर्म हो गया।
ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई, ये हमने ऐसे पानी रखा था। इससे डिजाइन बनाएंगे, या तो आपको ऐसे क्रॉस में बनानी हो, जिगजैग में बनानी हो, जैसी बनानी हो, ठीक है। इस बार हम सर्किल में बनाएंगे। ये ऐसे जम जाती है इसमें। ठीक है, डबल कोट करेंगे इसको। बिगड़ गई है ये, कहीं मोटी कहीं पतली निकल आई है। ठीक है, थोड़ी चॉकलेट और डालते हैं।
इसको थोड़ा और मेल्ट करके लाती हूँ। क्या होता है चॉकलेट में अगर हम दूध और क्रीम ऐड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है, बट सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट अगर मेल्ट करना है तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वो अच्छे से मेल्ट होती है, अदरवाइज़ यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो नोज़ल में ही जम गई फाइटिंग रेड में हमारे, तो इसलिए जैसी डिज़ाइन हम बना रहे थे वैसी तो नहीं बन रही है, हम इसमें सीधी लाइनिंग बना देते हैं। ये डिज़ाइन में जैसे जैसे भी आप जाली बनाना चाहें, नेट जो रेडी करेंगे हम, कोई भी डिज़ाइन अच्छी लगती है, जैसी आपको पसंद हो। टेबल क्रॉस से दूर रहो ना, ठीक है। इसके ऊपर से सीधी लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको सुखाना है, हल्का से ये ड्राई हो जाए फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे हम इसे केक पर।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सूखने में, बट ये थोड़ी ड्राई होना चाहिए। जैसे ये हो गई है ना, ये कि हम फिंगर टच कर रहे हैं तो ये हमारे हाथों में नहीं लग रही है, ऐसे इतनी होना चाहिए। करो माई, हवा करो इसकी। प्लेट वगैरह से करो कुछ से, नहीं उसके वो गिर जाएंगे उस पे। जब तक हम क्रीम रेडी कर लें, पकड़ो भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर चॉकलेट मेल्ट करके हमें डालनी है तो चॉकलेट ही कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा, तो हम इसमें अपनी क्रीम को ऐड करते हैं। चॉकलेट पर ये गर्म नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गर्म है अभी, वरना हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। पहले वाली सूख गई, ऊपर वाली नहीं सूखी है। दिखाओ मम्मी क्रीम बनाने में, तो वो मैरिज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अपनी क्रीम इस्तेमाल ली। लो इसको फ्रिज में रख के आओ। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारी चॉकलेट बची हुई थी उसमें हमने अपनी क्रीम को डाला था, ये चॉकलेटी कलर भी आ गया है और चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाएगा। हम रख देंगे फ्रिज में। आदि लो, इसको स्टैंड पे रखना आराम से। ठीक है, अब ये हमारी सूख गई है, हम केक को लेकर आते हैं।
जाती। ठीक है, नहीं इसको कोई खास है। ठीक है, हम इसको बिल्कुल आराम से टर्न टेबल पे रख देते हैं। हमने इसको टर्न टेबल पे रख लिया। ठीक है, इसको आराम से लगाना है बिल्कुल। हल्के से हाथ को घुमाते चलना है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये नेट को ऐसे कर देना है। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखना है। ठीक है, इसके बाद इसको 5 मिनट में सेट होने के लिए फ्रिज में फिर से रखेंगे। लो माही, फिलहाल ऑफ करो वीडियो। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आज गाइस, और एक नए गेमिंग का सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर खेलते हैं। हो गई स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी तो लाइट आ गई है। ठीक है, जब तक हमारा केक भी सेट हो गया है। ठीक है, अब हमें इसको आराम से बस निकालना है। इसमें हमें जो भी डिजाइन डालनी हो, ऐसी प्रोसेस है, तो आप इसमें कोई भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बेस सीट को हमारी क्लीन किया। ये हमारी स्टार नोजल है। ठीक है,
ही हमारा केक रेडी है। अब बीच में हम इसमें चॉकलेट रफ करके डालेंगे या तो चोको चिप्स ऐड कर देंगे। अब ये हमारी चॉकलेट जम गई है। यह हमारी क्रीम भी मेल्ट हो गई है। ठीक है, ये हम चोको चिप्स डाल लेंगे या तो हम जैसे चॉकलेट रफ करके डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट केक रेडी है। आई होप आप लोगों को आज के केक अच्छे लगे होंगे। फिर किसी न्यू डिज़ाइन के साथ हम फिर से लाइव आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।